अगर आप कोटा में कोचिंग करने पहुंच चुके हैं तो मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक मैं आपको 6 बोनस और एक बात बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती, कभी भी क्लास मिस नहीं करना। कुछ भी हो जाए, आपको जिस भी कोचिंग पर आप पढ़ रहे हैं उसकी क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर मिस कर दी तो अगली क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरा, क्लास में डाउट नहीं पूछना। आप कोटा पढ़ने आए हैं, आप यहाँ पर सीखने आए, अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो डाउट कभी क्लियर नहीं होंगे। तो हेजिटेट मत करिए, डाउट जरूर पूछिए। तीसरी मिस्टेक, टेस्ट को मिस कर देना। कभी टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी कि टेस्ट मिस कर दिया, क्योंकि टेस्ट के बेसिस पर एक प्रेशर आता है और उसके लिए आपकी पढ़ाई का कंटिन्यूशन बना रहता है। चौथी मिस्टेक आपकी जो है वो है घर पर प्रैक्टिस करते वक्त नोट्स ही नोट्स पढ़ना। आप नोट्स तो पढ़िए परंतु साथ में एक्सरसाइज शीट भी जरूर करिए, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप नोट्स ही पढ़ते रह जाएं। पांचवी मिस्टेक, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं और पेरेंट्स आपके पास नहीं रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने में अपना समय बर्बाद कर दें। तो पांचवी मिस्टेक है, दोस्तों के साथ फिजूल में नहीं घूमना, उसको अवॉइड करिए। और अब आती है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप। वो टिप ये है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, क्योंकि कोटा में सब लोग अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से आए, सबका अभी जो लेवल है वो अलग अलग है, तो आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, अपने आप से कम्पीट करते जाना है और अपने लेवल को बढ़ाते जाना है। आप देखिएगा एक मैजिक होगा और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से होगा। तो इसी तरह की एग्जामिनेशन सक्सेस की टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर आंसर करूँगा।